नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो टेलीविजन की दुनिया से की, लेकिन फिक्शन नॉन फिक्शन जैसे कई शोज करने के बाद ये पहुंच गए रिलेशनशिप का पाठ पढ़ाने के लिए बतौर मेंटोर बनकर लव स्कूल में। और यही नहीं, इन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी परफॉर्मेंस और अपने टैलेंट के बलबूते सभी को हैरान कर दिया। हम बात कर रहे हैं हॉट हैपनिंग एंड हैंडसम पंजाबी मुंडा करण कुंद्रा की। करण, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, वेरी स्वीट ऑफ यू। थैंक यू करण। हॉट, सेक्सी, हैपनिंग, और यहां तक कि आपको तो इंस्टाग्राम में किंग तक बना दिया, इतने सारे टाइटल्स, हाउ डू यू फील? आई फील ब्लेस्ड, मतलब मुझे बहुत मुझे लगता है मैं रोज सुबह उठता हूँ। मैं अभी थोड़े दिन पहले किसी से बात कर रहा था, अपने किसी कंटेस्टेंट से बात कर रहा था, तो मैं सुबह जब भी मैं रोज सुबह उठता हूँ ना, अगर मूड खराब हो या बहुत कम सोया हूँ, 3 घंटे 4 घंटे सोने को मिलते हैं हम लोगों को, इससे ज़्यादा मिलता नहीं है, तो मैं अपने आप को पहले बताता हूँ कि यार आज मैं जहाँ पर भी हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ द लव दैट आई हैव गॉट, एंड यू नो इट्स ये सारी ऊपर वाले की देन है। सो ये जो भी टाइटल्स हैं, जो जैसा भी आपने कहा, आई थिंक कि मेरे या तो मेरे मॉम डैड ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं अपनी लाइफ में जिनका यू नो जो उसका सारा रिजल्ट मुझे मिल रहा है। सो आई फील कि मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगता इसमें मेरा कोई है। लेकिन पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसने बहुत सारे सिंगर्स एक्टर्स दिए हैं बॉलीवुड को, तो इसके पीछे रीजन क्या है? क्या वो एनवायरमेंट वहाँ ज़्यादा मिल पाता है? एक्टिंग स्किल्स तो नो डाउट होती है लोगों में, और टैलेंट कूट कूट कर भरा है वहाँ के लोगों में। आई ऑल्सो थिंक कि इसमें पंजाब में पंजाब की हिस्ट्री से बहुत लेना देना है। पंजाब स्ट्रेटेजिकली एक ऐसी जगह पर है, यू नो जियोग्राफिकली एक ऐसी जगह पर है जहाँ पे यू नो सूफी इन्फ्लुएंस है, इंडियन इन्फ्लुएंस है, यू नो इट्स राइट ऑन द बॉर्डर, यू नो जब नॉट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, अगर आप हज़ारों साल की हिस्ट्री देखोगे तो सारा इन्फ्लक्स है वहाँ पे। वहाँ पे मुगल इन्फ्लक्स है, यू नो दिस नीचे से यू नो द इंडियन इन्फ्लुएंस है। सो इट्स दिस लोकेशन यू नो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, और सारे कल्चर को भी समेटे हुए हैं। करेक्ट, सो देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, एंड खैबर पास भी वहीं पर है, तो जितना कुछ भी हिंदुस्तान में आया उसी रास्ते से आया है, अफगानिस्तान के थ्रू। सो वी हैव अ पंजाब एज इट इज द फर्स्ट यू नो वेलकमिंग प्लेस फॉर पीपल फ्रॉम आउटसाइड, जो पुराने जमाने में लोग आते थे। सो यू नो पंजाब में एक चीज़ बोली जाती है, खादा पीदा लाहेदा बाकी अहमद शाहिदा, यू नो सो बहुत सारे जो ये जो यू नो लूटते थे आते थे, अहमद शाह ये लोग आते थे, वो लूट बांट के चले जाते थे, तो वहाँ पे सेविंग का यू नो फंडा नहीं था, लोग अपनी जान बचाने के उसमें होते थे। सो दैट ऑल्सो मेंट दैट पंजाबीज हैव ऑल्सो दैट एरिया, नॉट जस्ट पंजाबीज, जितना भी वो एरिया है वहाँ पे लोग ज़्यादा यू नो निकल जाते हैं बाहर, and they're okay. So if you see, लेकिन इसमें तभी भी parents का support बहुत important है ना, कि हाँ आपको groom करने का मौका मिले। No, that's what I'm saying. It's in the history. So because see again, आपको मालूम नहीं आपको कब अहमद शाह आके मार देगा, और आपको मालूम नहीं है कि you know कितनी लंबी उम्र है आपकी, और you know सो शादियाँ बड़ी बड़ी होती थी, लोग पैसे बचाते नहीं थे क्योंकि जो आप खा पी रहे हो वो आपके लिए, तो लोग यू नो सिंगिंग में और सेलिब्रेशन में ज़्यादा यू नो फोकस करते थे, खर्चते थे, बिकॉज सेव करने को कोई फ़ायदा नहीं था। सो दिस इज़ वेयर आई थिंक द क्रक्स ऑफ दैट हैपेंड। अगर आप देखेंगे कि पंजाब की जो यू नो पोएट्स हैं और जो लेखक हैं वो भी काफ़ी यू नो स्ट्रॉन्ग राइटिंग वाले होते हैं। That is also because they're fearless. Talent तो हर किसी में है वहाँ के लोगों में। They're a little fearless, the people there. They don't shy away from going away. क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो जैसे travel नहीं करेंगे, या जो thought of going somewhere else and settling down, you know, उनको डर लगता है उससे। और सबसे important बात तो ये कि वो risk लेने से नहीं डरते। That's what I'm saying. So risk लेते हैं, और जब आप अपने comfort zone से बाहर जाते हो आपको कुछ ना कुछ बेहतर करना ही पड़ता है। सो अगर मैं पंजाब से मुंबई गया था एक्टर बनने के लिए, तो अगर मैं कंपटीशन के हिसाब से अपने आप को बेटर नहीं करता तो मैं कहीं का नहीं रहता, तो पंजाब भी वापस नहीं जा सकते। सो यू हैव टू। तो आपकी स्टार्टिंग जो स्टडीज हुई हैं वो पंजाब से ही हुई हैं? यस, मैंने अपनी स्कूलिंग जो है पंजाब और राजस्थान में की। एक्चुअली मैं आई वाज इन मेयो कॉलेज अजमेर, व्हिच इज राइट हियर। राजस्थान से भी कनेक्शन। करेक्ट, सो मैं अजमेर में रहा हूं काफी साल, और पंजाब में कॉलेज किया, एंड देन आई मूव टू द यूएस एंड देन। लेकिन जैसे अगर पंजाब में आया, वहां पर आए, स्टडीज आपने कंप्लीट करी, लेकिन उस दौरान इंस्पिरेशन तो कहीं ना कहीं आपको मिली होगी ना, कि हाँ मेरे को भी एक्टिंग में जाना है, एक्टर बनना है। इट वाज वेरी एक्सीडेंटल फॉर मी, क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, और बाय 18 आई हैड माय ओन कॉल सेंटर इन पंजाब, और मैं काम में था ज़्यादा, और फेसबुक पे एकता कपूर ने मुझे देखा था। अच्छा, फेसबुक के थ्रू देखा? 10 साल पहले 2008 नवंबर में, एंड दैट्स हाउ आई गॉट यू नो
इंट्रोड्यूस टू द इंडस्ट्री और मैंने कभी सोचा नहीं था एक्टिंग के बारे में. हाँ मतलब हर लड़के लड़की का एक यू नो सपना होता है कि अगर हम स्टार बन जाते तो क्या होता है, ऐसे यू नो अगर मैं बिलियनेयर होता तो कैसा होता. तो सोचा था उसके बारे में बट कभी ऐसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं प्रोफेशनली परस्यू करूँ. लेकिन बिजनेस फैमिली से, जैसा कि आपने कहा भी कि बिजनेस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, और तो आपको जो पहला कैरेक्टर मिला अर्जुन पुंज का वो भी बिजनेस टाइकून का ही था. बहुत आसान था, बहुत आसान था, वही उसमें ढलना बहुत आसान. उसमें ढलना आई मीन ऑफ कोर्स बैकग्राउंड के मतलब यू नो कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से तो इजी था, बट माय प्रॉब्लम इज दैट आई स्माइल अ लॉट एंड आई एम वेरी फन सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. मैं हमेशा हंसता रहता हूं. मैं हंसता रहता हूं. प्रोग्राम में तो नहीं हंसते थे लेकिन आई रिमेंबर या जो जब भी नरेशन होती थी तो एक था मैम बोलती थी अगर तू मेरे सेट पे कभी हंसा ना जब तक कि मैं नहीं बोलूंगी हंसना नहीं है तूने. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी इनिशियली ऑब्वियसली क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं है, ट्रेनिंग नहीं ली और आप आ गए हो और आपको इतना बड़ा शो दे दिया जाता है, इतना बड़ा लॉन्च दे दिया जाता है. सो बट देन थैंकफुली माय प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर हु डायरेक्टेड माय फर्स्ट शो जिनके अंदर मेरी स्कूलिंग हुई है दे वर द बेस्ट ऑफ पीपल. सो लेकिन एकता कपूर के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती हैं वो शो के दौरान. बहुत टिपिकल भी उनके साथ काम करना. एक्चुअली मेरी स्टोरी थोड़ी सी उल्टी है. मैं आई थिंक मैं उनका सबसे बिगड़ा हुआ लेकिन आप फेवरेट भी हैं उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स में. आई नो एंड आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव समबडी लाइक एकता मैम जो कि आज सुबह भी इनफैक्ट सुबह 7 बजे मैं एयरपोर्ट पे जब बैठा हुआ था जयपुर आने के लिए तब भी मैं उनसे बात कर रहा था. एंड शी इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन. यू नो रात को 3 बजे भी काम करती हैं, सुबह टाइम से पहले उठ के नो वंडर शी इज़ हु शी इज़ टुडे. सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव हर एज somebody that I can rely on and she's always been there for me. So. अच्छा एक एक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो रोल उसे मिल रहा है उसमें पूरी तरीके से ढल जाना, मतलब खो जाना उस चीज में. और आपके बारे में ये कहा जाता है कि सबसे पॉजिटिव चीज यही है कि आप उसमें पूरी तरीके से डूब जाते हैं. हाँ आई थिंक आई स्टार्ट लिविंग द कैरेक्टर. मेरे में है वो एक चीज. यू नो फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे लोग बोलते हैं ना कि आप बेटर क्या लगता है आपको कि फिल्में आपको बेटर लगती हैं क्योंकि आपने कर ली हैं, या आपको टीवी बेटर लगता है, या आपको रियलिटी शोज अच्छे लगते हैं, या होस्टिंग अच्छी लगती है. सो मेरा आंसर यही होता है कि फॉर मी एज एन एक्टर मेरा काम है कि जो मुझे देख रहे हैं उनको यही लगना चाहिए कि वो मुझे नहीं उस किरदार को देख रहे हैं. सो दैट्स अ वेरी सिंपल आंसर एंड आई स्टार्ट फीलिंग द कैरेक्टर. एंड मैंने जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं वो पहले वो कैरेक्टर्स होते हैं, बाद में वो करण बन जाते हैं. यू नो सो देयर इज अ लॉट ऑफ इनपुट दैट गोज थ्रू माई एंड ऑल्सो. सो रीज़न बिहाइंड जो आपने कहा उसमें ये है क्योंकि मैंने जितने भी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के साथ काम किया उन्होंने मुझे पूरी छूट दी है कैरेक्टर पे वर्क करने के लिए. सो आफ्टर अ वाइल वो पहले कैरेक्टर से शुरू होता है, बाद में फिर मैं उसको अपने जैसा बना लेता हूँ. बट ऑफ कोर्स स्टेइंग ट्रू टू द जो आपके साथ वहाँ पर कंपेनियन थी जो आपकी कृतिका, बहुत जोड़ी लोगों ने पसंद की. आरोही और अर्जुन को आज भी लोग पसंद करते हैं. और उसके बाद जरा नचके आप दोनों ने परफॉर्म भी किया था उसमें, डांस परफॉर्मेंस दी थी अपनी और बहुत हिट भी हुआ था वो. हाँ तो क्या ये जोड़ी एक बार फिर से कमबैक करेगी? आई डोंट नो क्योंकि लास्ट मी एंड कृतिका वर्क टुगेदर वॉज लॉन्ग टाइम बैक. आई थिंक 9-10 साल हो गए हैं इस बात को. यू नो उसके बाद आई वर्कड विद अ लॉट ऑफ अदर पीपल. इनफैक्ट अभी जो मेरा एकता मैम के साथ जो शो था दिली तो है, वो भी यू नो इट्स बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज ऑन ऑल्ट बालाजी. सो दीज थिंग्स कीप हैपनिंग. यू नो आई रिमेंबर जब 1921 आई थी जरीन के साथ, यू नो 1921 के हिट होने के बाद अब मी एंड जरीन गॉट सो मेनी ऑफर्स टू डू फिल्म्स टुगेदर. यू नो तो ये एक रूल है. यू नो पीपल कैश इन on you know certain successful stories. So लेकिन आपको नहीं लगता कि टीवी के टाइम पर और अगर हम बॉलीवुड को देखें एक तरीके से तो आजकल सीक्वल बहुत ज्यादा बनने लगे हैं और खुद आपने बहुत सारे ऐसे सीजन किए भी हैं, है ना? लव स्कूल की हम बात कर लें, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनके सीजन 2, 3, 4 आप कर रहे हैं. इनफैक्ट कितनी मोहब्बतें वॉज द फर्स्ट डेली सोप ऑफ इंडिया जिसको सीजन 2 पे लेके गए थे. दैट वाज द फर्स्ट इन हिस्ट्री. आई थिंक एक ब्रांड की रिकॉल वैल्यू होती है जिसके लिए अगर कोई चीज़ हिट हो जाती है तो यूजिंग द सेम ब्रांड मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. सो या तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए क्योंकि आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट. लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि इतने सारे साल देने के बाद इंडस्ट्री में, टेलीविजन की दुनिया में इन्हें क्यों नहीं पसंद है सीरियल देखना, जानेंगे उनसे एक छोटे से ब्रेक के बाद. आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बेहद ही हमारे स्पेशल गेस्ट करण कुंद्रा, जिनसे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और उनके पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें भी आपको बता रहे हैं, कई राज भी हम उनके खोल रहे हैं। करण, मैंने एक स्टेटमेंट कहीं आपका पढ़ा था कि आप सीरियल्स की दुनिया में इतने टाइम तक रहे हैं, बहुत सारा साल आपने दिया है, लेकिन फिर भी आप सीरियल देखना पसंद नहीं करते, क्या रीजन है इसके पीछे? मुझे पसंद ही नहीं है सीरियल्स देखना। आई एम मोर ऑफ द नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी हिस्ट्री टीवी सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। माय व्यूइंग चॉइस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम माय। लेकिन सास बहू जैसे सीरियल भी आपने किए हैं। हाँ, मैं करता हूँ, घर घर पसंद किए जाते हैं। करेक्ट, बट उसका जरूरी नहीं कि मुझे भी वही देखना पसंद हो। मैंने कभी जिंदगी में सीरियल्स देखे नहीं थे और इवन इंग्लिश शोज मैं इतने मतलब नहीं देखता हूँ। मेरी अपनी चॉइस है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स एंड यू नो हाउ थिंग्स वर्क, यू नो आई एम मोर ऑफ अ वेरी डिफरेंट व्यूअर। डेली सोप्स देखने का पेशेंस नहीं है मेरे अंदर। आप टीवी में इतने सालों तक काम करते रहे, लेकिन आपको बॉलीवुड में ब्रेक कैसे मिला? बॉलीवुड हैपेंड, विक्रम भट्ट ने ही मुझे मेरी पहली हिंदी फिल्म दी थी। प्योर पंजाबी नहीं, वो थी हॉरर स्टोरी, दैट वाज 2013। पंजाबी फिल्म मैं कर चुका था तब तक। उन दिनों में एक शो करता था जिसका नाम था गुमराह, द एंड ऑफ इनोसेंस, एंड सो यू नो दैट शो हैड, इट्स अ टीनेज बेस्ड क्राइम शो जिसमें हम क्राइम की रिपोर्टिंग नहीं करते थे, हम क्राइम के उसके साइकोसिस के पीछे जाते थे या साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते थे कि क्यों एक टीनेजर क्राइम कर रहा है, यू नो। So it was a very, very interesting show. It was like an eye-opener for all the parents, communication gap or ye wo. So that had actually catapulted me into a mainstream, you know, as a mainstream person. And Vikram sir ne mujhe, you know, notice kiya tha. Aur unhone hi fir kuch saalo baad mujhe 1921 mein as a main lead, full-fledged, big budget picture mein fir. Halanki 1921 jis film ka aap zikr kar rahe hain, wo khas kamal nahi dikha paaye the, lekin Mubaraka mein aapki har koi tareef kar raha hai. See, Mubaraka did a lot of, went on to 70-80 crores. हर फिल्म की एक दायरा होता है। 1921 वाज द फर्स्ट हिट ऑफ 2018, यू नो, और हमारे साथ में मुक्काबाज आई थी जो कि अनुराग कश्यप सर की थी, और साथ में उनकी सैफ अली खान सर की फिल्म आई थी। सो कंपेयर टू दैट वी मेड 32 करोर्स फॉर अ फिल्म दैट वाज मेड इन अ वेरी लो बजट। सो अगर आप एक मारुति 800 बनाते हैं और आप उसको कंपेयर करते हैं एक रोल्स रॉयस की सेल्स के साथ, इट डजंट मेक सेंस। एवरी फिल्म हैज इट्स ओन मैथमेटिक्स। अनिल कपूर के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रही थी, क्योंकि वो तो बहुत सीनियर एक्टर हैं? आई लव अनिल सर बिकॉज यू नो ऑन कैमरा ऑफ कैमरा ही इज अ ग्रेट पर्सन, और यू नो आई डोंट गेट स्टारस्ट्रक इन लाइफ सच। मैं सिर्फ एक ही बार ऐसे घबराया था जब प्रियंका चोपड़ा मेरे सामने थी, एंड बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ हर्स। बट अनिल सर हेल्प्ड मी अ लॉट, क्योंकि मेरा जब पहला दिन था उनके साथ तो वो उन्होंने मुझे समझाया कि यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक्चुअली ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार काम कर रहा था, आई हैड स्पेंट अ लॉट ऑफ ईयर्स इन इंडस्ट्री, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम बड़े हुए हैं उनकी फिल्में देख देख के, और वो जब सामने मेरे परफॉर्म कर रहे थे तो मैं घुस उनकी मतलब मेरे को सिर्फ अनिल कपूर सर ही दिख रहे थे, एंड नाउ ही इज सच अ ग्रेट पर्सन। वो मुझे बॉम्बे में मुंबई में कहीं पर भी मिलते हैं तो बहुत प्यार से मिलते हैं, एंड ही इज जस्ट अ फैबुलस। लेकिन अगर हम एक तरीके से देखें तो टेलीविजन में होता क्या है, कई लोग आजमाते हैं अपनी किस्मत बॉलीवुड के लिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर सुशांत सिंह राजपूत को ले लें, तो एकमात्र वही एक्टर फिलहाल नजर आते हैं जो कि अभी तक अपने स्टैंड पर कायम है और वहाँ लगातार वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन जब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं बॉलीवुड में तो दोबारा से वापसी कर लेते हैं कई लोग ऐसे टेलीविजन की दुनिया में, तो इसके पीछे क्या वजह है? ये तो हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस की बात होती है। एक जमाना था जब आप बॉलीवुड में जब आपको बोला जाता था कि बॉलीवुड अलग है और टेलीविजन अलग है, बट दैट हैज चेंज्ड राइट नाउ। सो यू नो अगर आप सुशांत की बात करें, ही इज बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट ही इज बीन डूइंग रियली नाइस फिल्म्स एंड ही इज बीन टेकन सीरियसली। नॉट एवरीबडी हैज द सेम काइंड ऑफ जर्नी।
और वो जो पुराना टैग था यू नो जो कि काफ़ी पुरानी सोच जिसे कही जाती है कि टेलीविजन जो है वो यू नो फिल्मों से कुछ पीछे है या समथिंग लाइक दैट, बट द काइंड ऑफ टेलीविजन दैट हम लोग कर रहे हैं आज की डेट में वो रिग्रेसिव नहीं है, वो सास बहू नहीं है. टेलीविजन की रीच जो है वो फिल्म स्टार्स और फिल्म डायरेक्टर्स और फिल्म प्रोड्यूसर्स समझते हैं. अगर अनीस बाज़मी सर मुबारका जब बना रहे थे तो उन्होंने जब मुझे लिया था फ्रॉम टेलीविजन ही अंडरस्टूड कि वो मुझे क्यों ले रहे हैं. माइंड में सेट रहता है ना कि करेक्ट, सो दे अंडरस्टैंड द वाइड रीच ऑफ टेलीविजन और इवन फॉर 1921 और जो अभी फिल्म में अभी जो करके आया हूँ उसमें भी अगर आप देखेंगे देर इज अ रीजन वाई टेलीविजन एक्टर्स आर टेकन. सो आई डोंट थिंक कि अब वो जमाने हैं बिकॉज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग टेलीविजन में वी प्रोबेबली मेक मोर मनी देन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर जस्ट एंटरिंग फिल्म यू नो. हाँ आई एम नॉट सेइंग कि हम रणबीर कपूर या रणवीर सिंह जितने पैसे कमा रहे हैं, बट That disparity, जो डिफरेंस था टेलीविजन और फिल्म्स का वो अब बहुत कम रहेगा. लेकिन अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है आजकल, आप मोनी रॉय को देख लीजिए, अंकिता लोखंडे जो हैं, उन्होंने भी डेब्यू कर लिया, बहुत अच्छा किया उन्होंने. बट अगेन ये सोच की बात है, हम एक्टर्स की और मुंबई में जो हम लोग बैठे हुए हैं हमारी ये सोचनी है कि फिल्म्स करना है तो फिर टीवी नहीं करना या टीवी करना है तो फिल्म्स नहीं करना, ये डिस्पैरिटी अब थोड़ी सी पुरानी हो गई. लेकिन ऐसे लोग तो मल्टीटास्किंग हो जाते हैं ना, दोनों चीजें कर सकते हैं. या बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अभी यू नो अब हम लोग जब टेलीविजन करते हैं या फॉर एग्जाम्पल जब हम फिल्म करते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमारी लाइट कौन सी है, हमारा कैमरा कौन सा है, हमारी लाइन, आप हमें 8 पेजेस दे दो हम 5 मिनट में रेडी करके आ जाएंगे क्योंकि हमारी आदत है, हम 10 साल से यही कर रहे हैं. बल्कि ये कहा जाता है कि बॉलीवुड की जो चीजें होती हैं उससे ज्यादा टफ टेलीविजन में काम करना होता है. मच टफ. आई रिमेम्बर 1921 में हमने एक सीन शूट किया था, 1921 75 डेज का स्केड्यूल था, तो सेकेंड या थर्ड डे में हमने एक सीन शूट किया था और उसका नेक्स्ट बिल्कुल इमीडिएट नेक्स्ट जो सीन था वो हम कुछ 60 डेज से बात कर रहे थे. और जब हम सेट पे गए और शॉट रेडी हुआ तो मैंने बोला कि मैंने ब्लू जैकेट पहनी थी, तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो चीफ डायरेक्टर जो आगे जाके बड़े बड़े डायरेक्टर्स बनते हैं उसने मुझे कहा कि नहीं आपने नहीं पहनी थी. तो मैं विक्रम सर कैमरा के पीछे थे ऑब्वियसली, तो मैंने विक्रम सर को बोला, मैं कहा सर मेरे हिसाब से मैंने एक ब्लू जैकेट पहनी थी. और विक्रम सर ने ऐसे बोला अपने एडी को असिस्टेंट डायरेक्टर को, और असिस्टेंट डायरेक्टर सर आई एम श्योर मेरे पास फोटो है इसने नहीं पहनी थी. तो विक्रम सर ने एक ही बात बोला, कहता है बेटा ये टीवी वाला है ये तेरी नौकरी खा जाएगा, चेक कर ले अच्छी तरह से. सो दे चेक्ड और वो असिस्टेंट डायरेक्टर की गलती थी. सो यू इमेजिन कि हमारी टेक्निकलिटी इतनी स्ट्रांग है क्योंकि टेलीविजन पर खुद करना पड़ता है ये सब, यू नो टाइम बहुत कम होता है. तो 60 दिन पहले जो मैंने शॉट दिया था मुझे मेरे को फील हो रहा था कि जब मैंने ये शॉट दिया है मैंने कुछ पहना हुआ है जैकेट और आज मुझे वो मिल नहीं रहा है यू नो. तो हमारी मसल मेमोरी, हमारी फील, एवरीथिंग वी रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, हम अपनी लाइंस, सामने वाले की लाइंस, पीछे वाले की लाइंस, जिसके आगे क्या होता, पहले क्या होता, कहाँ खड़ा था, क्या किया था, हाथ उस शॉट में हाथ कहाँ था, ये मैंने कब उठाया था, हमें रट जाता है क्योंकि हमें करना पड़ता है खुद. और जब हम फिल्म में जाके ये सब करते हैं तो हमारे लिए तालियाँ बजती हैं यू नो इट हैपेंस. You know, because we're technically very strong. आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं लव स्कूल, स्कूल में तो बच्चों को डिसिप्लिन और सारी चीजें सिखाते हैं, डेकोरम मेंटेन करना, लेकिन ये तो रिलेशनशिप पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिलेशनशिप, 2019 है और यू नो पीपल डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन इन आवर सोसाइटी, यू नो इक्वालिटी नहीं है. एक रिलेशनशिप में आप एक लड़की को कैसे ट्रीट करते हैं या एक लड़की एक लड़के को कैसे ट्रीट करते हैं, फैमिली का कितना रोल होता है, क्या एक्सेप्टेबल है क्या नहीं है, कंपैटिबिलिटी क्या होती है, कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे यूथ के लिए जो कि अंधाधुंध इस टाइम पे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के पीछे छुप के यू नो अपनी जिंदगियाँ जी रहे हैं. सो इट्स लाइक एन आई ओपनर फॉर देम. ऐसा नहीं है कि लव स्कूल पे हम जाके बोलते हैं कि बेटा प्यार ऐसे करो, हम उनको वो क्या है वो उनको वो समझाते हैं, हम उनको यू नो बाय द मींस ऑफ आवर असाइनमेंट्स एंड टास्क वी मेक देम रियलाइज व्हाट इट इज़ टू बी लाइक यू नो. जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है लेकिन मेरे बहन का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, सो दैट्स नॉट इक्वालिटी. So that's where love is being. लेकिन इस तरीके के प्रोग्राम करके क्या पर्सनल लाइफ में भी जो आपकी मतलब बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है? Of course that happens because see क्या होता है ना कि आप अब जैसे हम चीज़ें बोल रहे होते हैं या हम उन अपने it's my third season this year और फिर भी कभी कभी कुछ कंटेस्टेंट्स हैं जो आके कुछ चीज़ें ऐसे बोल देते हैं जो हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट होती है. मैं सोचता हूँ कि अरे यार इसने तो ऐसी चीज़ बोल दी जो मेरे दिमाग में नहीं आई. सो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, बहुत सारा पेशेंस सीखने को मिलता है एंड इट रियली मेक्स योर पर्सनल लाइफ स्ट्रॉन्ग. अनुषा के साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी है? अनुषा के साथ मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है. इनफैक्ट इट्स द बेस्ट ट्यूनिंग आउट ऑफ ऑल द पीपल दैट आई वर्क्ड विद. अनुषा इज नॉट जस्ट अ गर्लफ्रेंड बट शी इज ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड एंड मेरे से ज़्यादा काम किया है उन्होंने इस हमारी लाइन में.
एंड शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गर्ल जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद बनाई है. सो आई गेट वेरी इंस्पायर्ड बाई वुमेन लाइक अनुषा जो कि यू नो खुद के बल अपने बल पे अपने आप को रखते हैं और किसी के नीचे दबते नहीं है. आई थिंक शी इज़ अ वुमेन दैट एवरीबडी शुड बी इंस्पायर्ड फ्रॉम. सो माई ट्यूनिंग विद हर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, अ लॉट ऑफ लव, अ लॉट ऑफ फ्रेंडशिप एंड अ लॉट ऑफ फन. लेकिन आपने भी लाइफ में कोई ऐसा मतलब गोल या कुछ ऐसा सेट कर रखा है कि हाँ मुझे ये वाला कैरेक्टर प्ले करना है जो अभी तक रोल्स आपको मिल चुके हैं उनसे थोड़ा हटकर? नो, आई डोंट थिंक सो. सी एज एन एक्टर, देखिए आप एक मोनोटोनी को कैसे ब्रेक करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जांपल आप अगर मुझे कोई रोल मिलता है या कोई रियलिटी शो मिलता है तो वो लाखों लोगों ने पहले किया हुआ है, लाखों लोग आगे उसको करेंगे. मैं उसको कितना अलग करता हूँ वो इंपॉर्टेंट है. सो यू गिव मी एनी कैरेक्टर एंड द वे आई वुड डू दैट कैरेक्टर मेक्स माय स्टाइल. सो मेरा फोकस यही होता है कि आप मुझे कोई पुराना कैरेक्टर ही दो जो भी है, मैं उसको कितना अलग करता हूँ वो मेरे ऊपर है. आखिरी सवाल, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? हाँ, सो आई जस्ट फिनिश्ड लव स्कूल सीजन 4 जो कि MTV पे ऑन एयर है अभी. एंड मेरी एक फिल्म है डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे जिसमें कि कोंकणा सेन शर्मा है, भूमि पेडनेकर है, कुबरा सेठ है, विक्रांत मेसी हैं, मूल प्राशर हैं. इट्स अ वेरी गुड फिल्म जिन्होंने लिपस्टिक अंडर में बुरका बनाई थी, अलंकृता श्रीवास्तव उन्हीं की फिल्म है. इट्स अ वेरी डियर फिल्म टू मी, मतलब काफ़ी कुछ प्रूव करना है हमें उस फिल्म से. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट फिल्म. सो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट्स और उम्मीद यही करते हैं कि जिन प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से वो सक्सेसफुल भी रहेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में आने का. थैंक यू दिव्या, थैंक यू. तो आज थे हमारे साथ स्पेशल गेस्ट करण कुंद्रा जिन्होंने हमसे बातचीत की और बहुत सारी चीज़ें भी शेयर की. अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.